तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास के साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव, ठीक है। ये जो आपको 15 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हैंड रिटन नोट्स है और साथ में अगर आप प्रीवियस ईयर भी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो आपको चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आपका अभी स्क्रीन पर सामने उसको मैं कर दूँगा, आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, पहला सवाल है आपका, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो चाहे दंत विशेषज्ञ हो या आपका गाड़ी का हेडलाइट हो या हजामती दर्पण हो, सब में आपका अवतल दर्पण इस्तेमाल होता है। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है सिर्फ गाड़ी के साइड मिरर में, यहाँ पे आप याद रखिएगा, यही एक सवाल इससे पूछता है, बाकी सब जगह अवतल दर्पण। दूसरा सवाल है आपका, कौन लेंस अपसारी होता है? तो अपसारी होता है अवतल लेंस, क्योंकि ये किरणों को दूर करता है, ठीक है, और उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा सवाल है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ये आँख में पुतली पपिल जो होता है, जैसे रोशनी आँख के अंदर जाती है, कौन नियंत्रित करता है? तो ये परितारिका, या जिसे आप आयरिस कहते हैं, ठीक है। नेत्र लेंस मानव में कौन सा होता है? ये भी आपको याद रखना है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। चार नंबर सवाल है, किस दोष के निवारण में दोनों लेंस एक साथ उपयोग में आते हैं? तो ये होता है आपका जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। ये होता है कि इसमें दोनों बीमारी एक साथ हो जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों होता है। तो जरा दूरदर्शिता में उत्तल और अवतल एक साथ इस्तेमाल होते हैं, निकट में आपका अवतल हो जाता है और दूरदृष्टि दोष में आपका उत्तल हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। पाँच नंबर सवाल है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो ये हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का, ऑप्शन ए हो जाएगा। छः नंबर है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ये आपको याद रखना है। ओम होता है प्रतिरोध का, ठीक है, और एम्पियर होता है आपका विद्युत धारा का, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, सात नंबर, लघु पतन शॉर्ट सर्किटिंग के से धारा का मान क्या होता है? तो धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लघु पतन या शॉर्ट सर्किटिंग एक ही चीज़ है। आठ नंबर है, सौर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो यह आपका सौर कुकर में समतल दर्पण आप टिक करेंगे, क्योंकि आपकी किताब में समतल दर्पण है, ठीक है। नौ नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका वृक्षों का संरक्षण। चिपको आंदोलन की अगुवाई किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने, ये भी आपको याद रखना है। दस नंबर है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, यहाँ पे दूर बिंदु पूछ रहा है, तो दूर बिंदु आपका अनंत होगा, हम सामान्य नेत्र से दूर तक अनंत तक देख सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपका निकट बिंदु पूछता तो आप 25 सेंटीमीटर पे टिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दूर बिंदु है तो आपका डी अनंत सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है, कौन पावर का सूत्र नहीं है? तो पावर इक्वल टू होता है वी आई भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है और वी स्क्वायर बाई आर होता है, ये तीनों के तीनों होते हैं। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सूत्र नहीं है तो आई स्क्वायर आर टी, ये सही हो जाएगा, ये तो कन्फर्म आप याद करके जाएंगे। 12 है, 12 लवण का जलीय विलयन का पीएच मान, तो लवण के जलीय विलयन का पीएच मान होता है 7, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। 7 से अधिक ये आपका हो जाएगा क्षारीय और 7 से कम ये हो जाएगा आपका लवणीय, ठीक है, और लवण जलीय विलयन लवण का है तो 7, उदासीन का 7, शुद्ध पानी का 7, ये सब एक हो जाएगा। 13 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करने से मिलता है? तो ये आपका जिप्सम को गर्म करने से मिलता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 2 × 1/2 H2O, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है, आधा H2 है तो इसको कहा जाता है हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट, ये पूछा हुआ सवाल है तो इसको याद कर लीजिएगा, हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट। 14 नंबर सवाल है, LPG का मुख्य घटक कौन है? तो LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, अष्टक के नियम को किसने दिया था? तो अष्टक के नियम को दिया था न्यूलैंड्स ने, न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक का नियम, डोब्रेनर ने दिया था तिर्यक नियम और मेंडलीव ने दिया था, ये दिया था तिर्यक नियम और मेंडलीव ने दिया था आवर्त सारणी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका 15 का आपका सही आंसर न्यूलैंड्स हो जाएगा।
अच्छा, इन तीनों ने जो तत्वों का वर्गीकरण किया था वो था आपका परमाणु द्रव्यमान। ये भी आपको याद रखना है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। और मोस आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया था किसने? मोसले ने। और उसका आधार क्या था? परमाणु संख्या। ये भी आपको याद रखना है। 16 नंबर है, कौन सा वर्ग हैलोजन वर्ग कहलाता है? तो ये वर्ग 17 आपका जो है ये हैलोजन वर्ग कहलाता है, वर्ग 17, ठीक है, जिसमें आपका फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, वर्ग 17 होता है। चलिए अगला सवाल है 17 नंबर, कौन लिटमस पत्र को नीला करेगा? तो नीला कौन करता है? आपका क्षार जो होता है वो नीला कर देता है। तो नील क्षार का क्या होता है? OH माइनस आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर H प्लस आयन की बात करें तो ये किस में होता है? ये होता है आपका अम्ल में। और अम्ल कैसा करता है? तो लाल कर देता है लिटमस पत्र को, ठीक है। 18 नंबर सवाल है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? देखिए एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होगा, एसिटिक अम्ल क्या हो जाता है आपका? CH3COOH। तो दो कार्बन हो जाता है, दो कार्बन में एथेन, तो ये आपका एथेनोइक अम्ल होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मेथेनोइक अम्ल किसका साधारण नाम है? तो ये है आपका फॉर्मिक अम्ल का, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 29 नंबर सवाल है, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह तो COOH, ये आपका सी हो जाएगा। ओ होता है ईथर, CO होता है कीटोन, और CHO होता है एल्डिहाइड, ये भी आपको याद रखना है। चलिए और OH किसका होगा? तो OH होगा आपका एल्कोहल का। चलिए 21 नंबर सवाल है, जस्ता का परमाणु संख्या, तो जस्ता का क्या होता है? जिंक, ठीक है, जस्ता या जिंक ZN, और इसका परमाणु संख्या होता है 30। ऐसे ही आपको आयरन का याद कर लेना है, आयरन का याद कर लेना है, सोना का, चांदी का, इन सब का भी याद रखना है। 22 नंबर सवाल है, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, संतरा और सिरका वाला आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 23 नंबर सवाल है, पादप में जाइलम किसका वहन करता है? तो जाइलम जो है वो आपका जल का वहन करता है, ज से जाइलम, ज से जल, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है? पके हुए खाद्य पदार्थों का वहन करता है, ठीक है। और एक चीज़ और आपको याद, चलिए आगे देखते हैं, वो आएगा अभी। 24 नंबर सवाल है, कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ऊर्जा मुद्रा में ATP, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोधक है? तो ये आपका एब्सिसिक एसिड जो है ये वृद्धि रोधक है, इससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। ऑक्सिन जो है ये आपका वृद्धि बढ़ाता है, ठीक है, वृद्धि हार्मोन है। जिब्रेलिन्स भी तना की लंबाई मोटाई बढ़ाता है, ठीक है। फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? फल पकाने वाले हार्मोन को एथिलीन कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 26 नंबर सवाल है, कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? सवाल क्या है? कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो ये तो वमन, चबाना, थूकना, ये सब के सब अनैच्छिक, ये सब के सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है। और हृदय का धड़कना ये आपका अनैच्छिक क्रिया, यहाँ पे ये नहीं को काट देते हैं। तो इसमें सवाल है कौन अनैच्छिक क्रिया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय का धड़कना आपका अनैच्छिक क्रिया है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। चबाना, थूकना, वमन, ये सब हम नियंत्रित कर सकते हैं, तो इसे कहा जाता है ऐच्छिक क्रिया, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ऐच्छिक क्रिया। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं काटने के बाद, 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, हृदय का धड़कना ऐच्छिक क्रिया है। 27 नंबर है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो यहाँ पे आपका ईस्ट ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट। और साथ में हाइड्रा भी आपको याद रखना है, ठीक है। इन दोनों में आपका मुकुलन द्वारा जनन होता है, ईस्ट एक कोशिकीय जीव है और हाइड्रा आपका बहुकोशिकीय जीव है, ये भी आपको याद रखना है। 28 नंबर सवाल देखिए, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो पुष्प का अंडाशय जो है ये फल बन जाता है, और बीजांड जो है वो बीज बनता है। जो हम लोग बीज फल के अंदर देखते हैं वो बीजांड होता है, और जो फल वाला भाग देखते हैं वो अंडाशय होता है।
29 नंबर सवाल है, लिंग गुण सूत्र का जोड़ा किस में पाया जाता है? तो देखिए, लिंग गुण सूत्र, सबसे पहले तो मनुष्य में गुण सूत्र कितने होते हैं? 46, या जिसे आप 23 जोड़ा कहते हैं, ठीक है, जिसमें से 44 जो होता है वो एक समान होता है, जिसे ऑटोसोम कहा जाता है, और दो जो होता है ये, इन्हें लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। 44 निकल गया और दो बचा, तो दो को लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, और ये दो लिंग क्रोमोसोम पुरुष में आपका पाया जाता है XY और महिला में आपका पाया जाता है XX, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लिंग गुण सूत्र का जोड़ा किस में पाया जाएगा, तो XX जो है वो महिला में, XY जो है ये पुरुष में, तो जोड़ा किस में है? महिला में, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर सवाल है कि मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे सिर्फ संख्या पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 46, अगर जोड़ा पूछता तब 23 होता, ठीक है। 31 नंबर सवाल है, CFC का विस्तृत रूप क्या होता है? तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ये आपको याद रखना है। इसमें का जो क्लोरीन होता है वो ओजोन के O3 से अभिक्रिया करके इसको तोड़ता है, ठीक है। ओजोन परत का सूत्र अगर आपसे पूछे तो O3। 32 नंबर सवाल है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है? तो ये होता है सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम, जो अग्र मस्तिष्क या प्रम मस्तिष्क में पाया जाता है। एक होता है सेरिबेलम, जो पश्चिम मस्तिष्क, पिछले मस्तिष्क में पाया जाता है, जो हृदय की धड़कन, ठीक है, रक्तचाप वगैरह को नियंत्रित करता है, ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। 33 नंबर आपका सवाल है, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये आपका नेफ्रॉन है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेफ्रॉन, जिसकी संरचना आपने इस तरह से पढ़ा होगा, ठीक है, ये होता है नेफ्रॉन। और एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, तो दो किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन हो गए, एक किडनी में 10 लाख, तो दो किडनी में 20 लाख। और अगर तंत्रिका उत्तक का या तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई पूछे तो क्या होगा? न्यूरॉन, न्यूरॉन आपको याद रखना है, या तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, जो आप इस तरह से संरचना बनाते हैं स्टार वाला, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए अगला दो और ऑब्जेक्टिव है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना जो है वो ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीकरण का एक और नाम उपचयन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपचयन का मतलब अवकरण, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, तो भोजन का पचना, आग का जलना, ये सब ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी उपचयन अभिक्रिया। अच्छा, एक चीज़ और पूछता है कि जब जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी पृथ्वी पे, तो यहाँ का वातावरण कैसा था? तो अपचायक था, आपको याद रखना है अपचायक, ठीक है। 35 नंबर सवाल है, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, तो ओम मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 35 ऑब्जेक्टिव था, अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए यहाँ से आपका सब्जेक्टिव शुरू है कि अच्छे ईंधन की दो विशेषताएं लिखें। तो अच्छे ईंधन की दो विशेषताएं आपको भी पता है, जो आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, उसका परिवहन आसान हो, ठीक है, कम धुआं उत्पन्न करे, ये सब अच्छे ईंधन होते हैं। उत्तल और अवतल लेंस में अंतर, तो उत्तल लेंस क्या होता है? किनारे पे पतला, बीच में मोटा। अवतल लेंस किनारे पे आपका मोटा, बीच में पतला, ठीक है। उसके बाद उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस ये है आपका, तो इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। ओम के नियम को लिखें, तो ओम का नियम आपको भी पता है क्या होता है, आई बराबर वी बाई आर, ये होता है कि अगर किसी चालक ताप का, चालक तार का तापमान नियंत्रित रहे यानी अपरिवर्तित रहे, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान उनके दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। इस तरह से I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और प्रोपोर्शनल का समानांतर का चिन्ह हटाने के लिए हम इक्वल में ये इसके एक नियतांक लगा देते हैं, जो R होता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। पानी में रखा सिक्का ऊपर उठता क्यों दिखाई देता है? सिक्का को अगर पानी में डाल देते हैं तो ये अपवर्तन के कारण, क्योंकि पानी एक माध्यम हो गया और हवा एक माध्यम हो गया, जब इसमें से प्रकाश बाहर निकलता है तो ये अपने पथ से मुड़ता है, जिससे हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और हवा के मुकाबले पानी सघन माध्यम और ये विरल माध्यम, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। विरल देखिए, अगर ये हवा है और ये पानी है, तो प्रकाश जब हवा से पानी में आएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और अगर पानी से हवा की में जाएगा
इधर अगर आ रहा है तो, और ये इधर जा रहा है तो ये अभिलंब से दूर मुड़ेगा अगर यहाँ पे हम अभिलंब खींच रहे हैं तो ये भी आपको याद रखना है। समजातीय श्रेणी, इसमें माइनस सी एच टू का अंतर होता है, इसके जितने भी यौगिक रहेंगे उनमें सी एच टू का अंतर रहता है, उन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे हमने लिखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर H2O का निर्माण किए, तो ये दो मिलकर एक का निर्माण कर रहे हैं तो ये संयोजन, अगर एक दो का निर्माण कर रहा है तो वो विघटन या वियोजन अभिक्रिया। ब्यूटेनोइक अम्ल और ब्यूटेनियन और ब्यूटेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र बताना है, ठीक है। खनिज और अयस्क में अंतर, तो सभी अयस्क जो हैं वो खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हैं, ये आपको भी पता है। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, लैंगिक में आपका दो जीव, अलग अलग जीव, मतलब दो लिंग इसमें भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में एक अकेला जीव ही अपने जैसे संतान पैदा करते हैं। इसमें शुक्राणु अंडाणु भाग नहीं लेते, इसमें शुक्राणु अंडाणु भाग लेते हैं। ये अलैंगिक जनन में जो भी जीव उत्पन्न होते हैं वो बिल्कुल अनुवांशिक गुण में अपने जनक जैसे होते हैं, जबकि इसमें कुछ अंतर आ जाता है इस तरह से। ट्यूबुलर श्रवण क्या है, तो देखिए किडनी जो खून की सफाई करता है, रक्त की सफाई करता है वृक्क, वो तीन हिस्सों में करता है। यहाँ से जब रक्त की सफाई होती है तो इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिर बीच में जब आता है तो ट्यूबुलर श्रवण, ठीक है, इसमें से कुछ हानिकारक पदार्थ इसमें निकलते हैं, और उसके बाद चौथा आता है ट्यूबुलर पुनर्वशोषण, फिर इसमें से जो आवश्यक पदार्थ होता है उसका अवशोषण हो जाता है इसी ट्यूब में, और फिर ये आखिर में जाकर जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो चले जाते हैं पेशाब की थैली में, ठीक है, जो मूत्र बन जाता है फाइनली। तो एक हो गया आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर श्रवण और ट्यूबुलर पुनर्वशोषण। तो ट्यूबुलर श्रवण क्या होता है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद इस नलिका में फिर से कुछ हानिकारक पदार्थों का श्रवण होता है, जिसे हम ट्यूबुलर श्रवण कहते हैं। जंतुओं में परिवहन तंत्र के अंगों के नाम लिखे, तो परिवहन तंत्र में कौन होता है, हृदय होता है आपका, रक्त होता है आपका, और रक्त वाहिनियाँ जिसमें रक्त बहती हैं, जिसे हम नस कहते हैं, तो रक्त वाहिनियाँ यही तीन है। ऐसे श्वसन तंत्र की बात करेगा तो नसिका हो जाएगा, नाक हो जाएगा आपका, ठीक है, नाक यानी नसिका, ट्रैकिया जिसे आप श्वास नली कहते हैं, और उसके बाद फेफड़ा, सबका ऐसे ही होता है। मुख्य अगर आपका उत्सर्जी अंग की बात करेगा तो वृक्क जो खून की सफाई करता है, उत्सर्जन का काम करता है शरीर से हानिकारक पदार्थों का। 12 है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है, हमारे अमाशय में यानी पेट में जो अम्ल निकलता है वो जठर रस होता है, तो जठर रस का में होता है आपका HCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा था कि जो हमारे पेट में अम्ल निकलता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो HCl होता है, ठीक है। इसका काम होता है कि जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जाते हैं उनको मार देता है, और साथ में ये खाने को पचने के लायक बनाता है, ठीक है, उनको इस लायक बनाता है कि वो उस पर एंजाइम्स जो है हमारे काम कर सकें और उन्हें पचा सकें। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए, एक आपका है कि प्रतिरोध R1, R2, R3 को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है तो उसका व्यंजक निकालिए। तो ये आपका है समांतर क्रम में क्या होता है, 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, ये होता है समांतर क्रम का। और श्रेणी क्रम का क्या होता है, मतलब समतुल्य प्रतिरोध इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, तो ये व्यंजन निकालना होता है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है, बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताएं। तो ये बहुत आसान है, यहाँ तो आपको उत्तल दर्पण दे दिया है, उत्तल दर्पण इस तरह से होता है, ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी प्लस होती है, तो आपको दे दिया वक्रता त्रिज्या दे दिया है, सॉरी, तो वक्रता त्रिज्या आर, तो R इक्वल टू आपका कितना हो गया 5 मीटर, और यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो यहाँ से आपको क्या दे दिया, U दे दिया -5, एक तो आपको R मिला है 5 मीटर और U मिल गया, आपको V निकालना है, तो R से निकल जाएगा F, चूँकि क्या होता है F इक्वल टू होता है R/2, तो यहाँ से आपका F निकल जाएगा, तो उसके बाद फॉर्मूला आप लगा सकते हैं दर्पण का, 1/U - 1/V = 1/F, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा।
तीन है एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण कैसे होता है। तो ये आपको बहुत आसान है, ये किताब में दिया हुआ है। एल्युमिनियम का जो होता है वो बॉक्साइट से निकाला जाता है ज़्यादातर, ठीक है। और भी इसके अयस्क होते हैं लेकिन बॉक्साइट सबसे अच्छा अयस्क है, तो बॉक्साइट से इसको निकाला जाता है। फिर आता है आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम खाने वाले सोडा का नाम होता है NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। यह सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा होता है। और धोने वाले सोडा का धोबिया सोडा या वॉशिंग सोडा Na2CO3 × 10H2O, ये आपको याद रखना है। पांच नंबर सवाल है आपका, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को सचित्र दर्शाएं। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा खाने के नज़दीक जाता है और इसका ये कुटपाद होता है और वो खाने को धीरे 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 इसको अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेता है, ठीक है। न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है? जो आपका तंत्रिका कोशिका है वो न्यूरॉन होता है, ये वाली संरचना, तो इसको आपको बता देना है। ये बीच में केंद्रक होता है, ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये आपका एक्सॉन होता है जो ये पतला नली जाता है, ये बीच वाला, ये वाला हिस्सा आपका साइटन होता है, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और बाकी जो प्रीवियस ईयर है और मॉडल पेपर है वो भी जाकर देख लीजिए। मैं उसका अभी दे देता हूँ आपको लिंक सामने ही, ठीक है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। चलिए।